हेलो डॉग ओनर्स एंड डॉग लवर्स। देखिए आज बहुत ही क्यूट सा डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर। वो अभी 3 महीने का है, फीमेल डॉग है यह। उसका नाम कोको है। तो आज ये मेरा फर्स्ट डे ट्रेनिंग है। मैं कैसा डॉग को हैंडल किया, उसके बाद कैसा वो डॉग जाके ओनर के साथ बैठता है, वो सब आप ये वीडियो में देखिए। जैसे ही मैं घर के अंदर जाते ही आप ये देखिए कि डॉग कैसा मेरे पर डाइम मारने आता था या कैसा वो बेल्ट को चबाने जाता था, ये सब आप देखिए। अभी यही सब प्रोसेस जो मैंने आज किया डे फर्स्ट ट्रेनिंग में, अभी यही सब प्रोसेस सपोज़ मैं जाने के बाद ओनर भी बराबर से इसको ज़रा रिवीजन बराबर से कराएंगे, तो ये मेरा गारंटी है कि ये डॉग कोको गोल्डन रिट्रीवर फ्यूचर में कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। देखिए मैंने अभी बेल बजाया है। ये अच्छी बात है कि डॉग भौंकने रहा है, वो बार्क नहीं कर रहा है। जो डॉग बेल बजाने के बाद बार्क करता है वो एक्चुअली एग्रेसिव साइन है। अभी मैं घर पे जाने के बाद कम से कम 5 मिनट के बाद जब कोको, डॉग का नाम कोको है, जब कोको मेरे पास आया तो उसका वाइल्डनेस आप देखिए कि कितना वो बेल्ट को चबाने जा रहा है। एक जगह बराबर से नहीं बैठ रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, वहाँ से यहाँ भाग रहा है, लेट रहा है, उठ रहा है, सब अपना मर्जी से कर रहा है। तो ये सब एग्रेसिव साइन है, तो ये सब एग्रेसिव साइन है। कंटिन्यू अभी 8 महीना अगर यही करते जाएगा वो कोको, तो फ्यूचर में एग्रेसिव हो जाएगा। देखिए अभी कितना डाइम मार रहा है, वो एक बाजू नहीं बैठ रहा है। तो ये सब एग्रेसिव साइन है, ये सब एग्रेसिव साइन है। अभी ये टाइम पे देखिए मैं कोको को बेल्ट लगा रहा हूँ, बेल्ट लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोको को देखिए कि वो कितना एक्टिव डॉग है। मेरे कैमरामैन के ऊपर भी जाके डाइम मार रहा है, उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये बताता है कि जब भी घर में गेस्ट आते हैं तो वो टाइम पे भी वो यही सब प्रॉब्लम देगा। अभी देखिए कोको को मैं बेल्ट लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। कोको मुझे बेल्ट लगाने दे रहा है और निकालने दे रहा है, बेल्ट लगाने दे रहा है और निकालने दे रहा है। ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत हो गया। अभी मैं कोको को चैम्पियन डॉग भी बना सकता हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ कोको ओनर के सामने मुझे बेल्ट लगाने दे और निकालने दे। अभी ज़रा महीने के बाद मैं कोको को चैम्पियन डॉग भी बना सकता हूँ। कोको को मैं घर में, बाहर, सब जगह एकदम उसको ओबीडियंट डॉग बना सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं कोको को फिल्म में भी काम करने जैसा ओबीडियंट डॉग बना सकता हूँ। अभी ये मेरा हैंडलिंग है, सिर्फ 10-20% पुल और 20-30% स्कोल्ड। मैं कभी डॉग को ओनर के सामने या ओनर के पीठ के पीछे कभी नहीं मारता हूँ। ये सिर्फ मेरा स्टार्टिंग प्रोसेस है जो मुझे करना पड़ता है, और ये ट्रीट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है, ये कमांड ट्रेनिंग है। ट्रीट ट्रेनिंग में हमेशा आपको अपना डॉग को ट्रीट दोगे तो ही वो सुनेगा। जब आपके हाथ में ट्रीट नहीं होगा तो नहीं सुनेगा। मेरा जो ट्रेनिंग है टोटली कमांड ट्रेनिंग, 24 आवर्स में आप जब भी उसको कमांड दोगे वो आपका बात सुनेगा। आपको उसको हर एक टाइम पे ट्रीट देने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ये स्टार्टिंग प्रोसेस है, 10-20% पुल और 30-40% स्कोल्ड। वो भी सिर्फ सीखने के बाद आपको इसको बिल्कुल स्कोल्ड करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यह अभी देखिए मैंने कोको को हैंडल करने के बाद लॉन्ग स्टे करा के रखा हूँ। अभी ये टाइम पे अभी से कोको मेरे अंडर में होगा, मैं जो कमांड दूंगा वही वो सुनेगा। यह है लॉन्ग स्टे लेसन। अभी आपने ये देखे कि मैंने कोको को लॉन्ग स्टे करा के रखा। ओनर्स कोको को बुला रहे थे लेकिन कोको जगह से उठा नहीं।
क्योंकि मैंने उसको लॉन्ग स्टे करा के रखा था। जब तक मैं ना बोलूँ वो जगह से उठना नहीं चाहिए। यही प्रोसेस मैं घर में और बाहर उसको टोटली 100% सिखा दूंगा। ये लॉन्ग स्टे लेसन है। और बजाइए 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 भी देखिए बेल बजा फिर भी वो उठा नहीं। अदरवाइज बेल बजने के बाद डॉग एकदम दरवाजे के पास, बहुत सारे डॉग भाग जाते हैं। अभी देखिए उसका उसका टॉय है, उसका टॉय लेके मैं उसके साथ ज़रा कोशिश कर रहा हूँ उसको उठाने का, लेकिन वो उठना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उसको लॉन्ग स्टे कराया है। इसलिए मैं कुछ भी करूँ वो जगह से उठना नहीं चाहिए। तो ये सब होता है डॉग ट्रेनिंग, ना कि आपका डॉग सिट सुने डाउन सुने, वो ट्रेनिंग नहीं है। 24 आवर्स जो भी होता है वो है डॉग ट्रेनिंग। अभी देखिए सोफा में आराम से बैठा है, ये सब मेरा लेसन है। अभी आपने ये देखे कि मैं डॉग को हैंडल करने के बाद डॉग कैसा काम हो गया था। यू नो वो आराम से एक ही जगह पे बैठा रहा, मुझे भी डिस्टर्ब नहीं किया ना ही ओनर्स को डिस्टर्ब किया। अभी यही प्रोसेस अभी कम से कम 8 या 9 महीना चलेगा, तो ये मेरा डॉग, मेरा गारंटी है कि ये डॉग किसी भी एंगल से एग्रेसिव नहीं होगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। इसलिए ओनर्स का रिवीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।